तुम बैठो ना प्लीज, मैं बैठू सर? बैठो ना बैठो, आराम से बैठो, ऐसी कोई घबराने की कोई बात है ही नहीं। अरे चीजें तो गिरती रहती हैं। तुम्हें तो मालूम है, जब मैं इस इंस्टीट्यूट में पहली बार आया था एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने अपने ऊपर गर्मा गर्म चाय गिरा ली थी। ऐसी जगह जला था जहां बर्नौल भी नहीं लगा सकता था। क्या पियोगे तुम? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ खा लो, हमारे यहाँ के फिश फिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं। नहीं सर, मुझे तो आपके यहाँ एडमिशन की भूख और ट्रेनिंग की प्यास है सर। तुम्हारा एडमिशन तो हो चुका है। Really, sir? हाँ, तुम्हारे जैसे हुनार बच्चों की तो हमें जरूरत है। मेरे से भी होना, मेरा एक दोस्त बाहर बैठा है, अगर उसका भी हाँ तो लेके आओ ना उसको, जरूर लेके आओ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वन टू वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। थैंक यू सिलेक्ट। पागल आदमी है, इस तरफ देखना मत, बस गिन लो, पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे छोड़ो यार। यार बंटू, यहाँ पे दाल में काला लगता है। दाल में काला नहीं भाई साहब, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस होटल का जो मैनेजर है वो सबसे एडमिशन के लिए 50,000 रुपए ले रहा है। क्या वेटर की नौकरी के लिए 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है? क्या करे भाई, भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार जो हो गई है भाई। अपनी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। ये कोर्स करने आए हो? जी सर। ये पेशा क्यों चुना तुमने? क्योंकि किसी दिन मैं अपना 5-स्टार होटल खोलना चाहता हूँ सर। अच्छा, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में हम ही से ट्रेनिंग लेके हमारे ही कंपटीशन में तुम एक होटल खोलना चाहते हो? मेरी बिल्ली मुझे घुमाओ। नहीं सर, आप उल्टा समझ रहे सर। अच्छा, मैं उल्टा समझ रहा हूँ, मतलब तुम्हारा कहने का ये कि मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। तुमने नहीं कहा है तो फिर क्या मैंने कहा है? तुम्हें क्या समझ लगता है मैं पागल हूँ? नहीं, मेरा दिमाग खराब है, मेरे सिंह निकले हुए हैं। जो आदमी अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर पाता उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर आई एम सॉरी सर, वो हो गया सर, वो मैंने किया सर, वो आप सर आई एम सॉरी सर, ये हो गया, मैंने कुछ किया सर, मैं धोखे आया सर। ए कहां जा रहा है? करके कहीं कैसे साले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। सामने जब जब आएगा मेरे से।